हेलो दोस्तों, MS YouTube सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंजन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। और उस टॉपिक का नाम है इंजन का कैमशाफ्ट क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, व्हाट इज एन इंजन कैमशाफ्ट। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, और ये किस तरीके से कैसे कार्य करती है, और आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों किसकी बनी होती है, दिखाई कैसी दिखाई देती है, इसका चित्र कैसा होता है दोस्तों। और आज दोस्तों मैं चालू करते हैं हम वीडियो को। इंजन कैमशाफ्ट क्या होती है, व्हाट इज एन इंजन कैमशाफ्ट। इंजन कैमशाफ्ट की धातु, इंजन कैमशाफ्ट मेटल्स, यानी किस धातु की कैमशाफ्ट बनी हुई होती है। एक ही टुकड़े में स्टील को फोर्ज करके बनाया जाता है। इसके अंदर लचक बनी रहे तथा बाहरी सतह को कठोर रह सके, इसके लिए इसे के सार्डिंग किया जाता है। दोस्तों, ये याद रखना है इसके अंदर कि स्टील की जो फोर्ज करके बनाया जाता है, क्या किया जाता है इसको, एक ही टुकड़े में फोर्ज करके बनाया जाता है, जिससे कि इसके अंदर लचक बनी रहे। एक टुकड़े इसलिए बनाई जाती है, इसके अंदर लचक बनी रहे। इसके साथ साथ इसे कठोर करने के लिए इसे केस हार्डिंग किया जाता है। केस हार्डिंग करने से क्या हो जाती है, वो कठोर हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इंजन के बहुत सारे पार्ट्सों को घुमाती है, इसलिए इसे केस हार्डिंग किया जाता है, कठोर बनाई जाती है दोस्तों। इसके साथ ही इंजन कैमशाफ्ट की बनावट, इंजन कैमशाफ्ट डिजाइनिंग, यानी कि इंजन कैमशाफ्ट किस तरीके से होती है दोस्तों। देखा गया है कि जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए किसी को पार्ट्सों के नाम के बारे में पता नहीं रहेगा किस तरीके की रहती है, तो कैसे पता लगा पाएंगे ये कौन सा पार्ट्स है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं ITI के अंदर, कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर भी, कि कैमशाफ्ट की बनावट ये इनमें से बताइए कौन सा कैमशाफ्ट है। तो जब हमें पता नहीं रहेगा कि किस तरीके की कैमशाफ्ट है, कैसे दिखाई देती है, तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे चित्र के माध्यम से कि ये कौन सी कैमशाफ्ट है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, कैमशाफ्ट की बनावट किस तरीके से होती है, इस तरीके की बनावट होती है दोस्तों। ये कैमशाफ्ट है, ये जो दिखाई गई है ये क्या है, कैमशाफ्ट। इस तरीके की बनावट होती है दोस्तों। ये जो मैंने बताया हुआ है ये सब क्या है, कैमशाफ्ट। अब इसके अंदर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कैम लोब, ये जो है ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो होता है, ये वाले ये सब क्या होते हैं, कैम लोब। ये क्या होते हैं दोस्तों, कैम लोब होते हैं दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, कैम लोब। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, थ्रस्ट, ये जो है ये हिस्सा कौन सा है, थ्रस्ट होता है दोस्तों। कैम जनरल, यानी जहां पर ये कैम शाफ्ट फिट रहती है, जहां घूमती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैम जनरल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इनको, कैम जनरल बोलते हैं। और ये जो हिस्सा यहाँ पे, ये जो हिस्सा दिखाया गया है, ये इसको क्या बोलते हैं, कैम हिल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, कैम हिल। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों बताया गया है कैम शाफ्ट की सीधापन की जांच किस तरीके से की जाती है। तो कैम शाफ्ट की सीधापन की जांच, ये एक डायल गेज है, ये डायल गेज है, इस डायल गेज के माध्यम से इसकी जांच की जाती है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गियर लगा है, स्क्रू गियर बोलते हैं इसको। इस गियर का काम क्या रहता है, फ्यूल पंप या पेट्रोल इंजन है तो डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने का काम करता है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों, फ्यूल पंप और डिस्ट्रीब्यूटर पंप है, ठीक है दोस्तों, ये किस तरीके से कार्य करते हैं, इस गियर के माध्यम से कार्य करते हैं दोस्तों। इसके साथ देखिए कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए लोब की सहायता से घूर्ण गति को, यानी कौन सी गति को, घूर्ण गति यानी रोटेशन स्पीड जो होती है, रोटेशन स्पीड को कौन सी गति में, प्रत्यागामी गति में परिवर्तित करती है। प्रत्यागामी गति को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग गति बोलते हैं दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग गति बोलते हैं। अब ये पता होना चाहिए दोस्तों प्रत्यागामी गति क्या होती है। प्रत्यागामी गति क्या होती है कि वह वस्तु जो एक ही दिशा में, क्या एक ही दिशा में, एक ही मार्ग पर और लगातार चलती रहे, उसे हमें क्या बोलते हैं, प्रत्यागामी गति बोलते हैं दोस्तों। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो प्रत्यागामी गति इसके अनुसार घूमते हैं, प्रत्यागामी गति करने वाले टैपेट, पुसरोड और रोकर आर्म और लीवर, ये सभी क्या होते हैं, प्रत्यागामी गति करते हैं। इसके माध्यम से भेजी जाती है, तो प्रत्यागामी गति के माध्यम से इसको भेजी जाती है। यह शाफ्ट लगभग सीधी शाफ्ट होती है, इसकी इंजन वाल्वों की संख्या के बराबर कैम लॉ बनी होती है। इंजन की जो वाल्व हैं, जितने वाल्व लगे होते हैं उसी के अनुसार कैम बनी हुई होती है, कैम है जो बनी हुई होती है। जब कैम लॉब ऊपर आती है तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व इनके दबाव से खुलता है। देखिए दोस्तों कैम लॉब, अभी क्या देखना है कि कैम लॉब जैसे ही ऊपर होती है, कैम लॉब जैसे ही ऊपर होती है, तो उससे क्या है, इनलेट वाल्व के ऊपर आएगी तो इनलेट वाल्व दब जाएगा और वो खुल जाएगा, और एग्जॉस्ट पे आएगी तो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। इसके साथ साथ इनमें कैम को लोब इंजन फायरिंग के अनुसार,
फायरिंग ऑर्डर के अनुसार क्रम के अलग अलग दिशाओं में बनी हुई होती है। केमलॉब जो भी होती है वो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में बनाई जाती है। यदि फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से इनको नहीं बनाया जाएगा तो दोस्तों ये एक साथ ही खुलेंगी, एक साथ खुलेंगी। तो इसके अंदर क्या है, फायरिंग होते समय, क्योंकि फायरिंग तो अलग टाइम पे होता है, तो इसके साथ साथ क्या होता है इसके अंदर दोस्तों, देखो कि इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एंगल पर केम लॉक को बनाया जाता है। देखिए इनके बीच एक स्क्रू गियर बना होता है। इनके बीच में क्या बना होता है, स्क्रू गियर, जो मैंने अभी चित्र के माध्यम से बताया था आपको, जिसका काम क्या रहता है, फ्यूल ऑयल पंप, फ्यूल ऑयल पंप और पेट्रोल इंजन का डिस्ट्रीब्यूटर चलाया जाता है। अभी इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या रहता है कि ऑयल पंप और पेट्रोल इंजन का डिस्ट्रीब्यूटर चलाया जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का पेट्रोल इंजन जो है आगे की और एक इंसेक्ट्रिक केम गियर कुछ बड़ी नाप में बनी होती है। इस इंसेक्ट्रिक केम द्वारा मैकेनिकल फ्यूल पंप चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, मैकेनिकल फ्यूल पंप चलाया जाता है। केम शाफ्ट इंजन के निचले भाग में केम शाफ्ट समांतर प्राय फिट होती है। क्या होती है, समांतर क्रम में प्राय फिट रहती है। यह सरलता से घूम सके इसके लिए शाफ्ट के अगले पिछले सिरे अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार बेयरिंग जनरल बनाए जाते हैं। यानी जो केम शाफ्ट है आसानी से घूम सके इसके अगले और पिछले सिरे पर क्या बनाए जाते हैं, बेयरिंग जनरल बनाए जाते हैं। दोस्तों यह जनरल गन मेटल बुश के घूमते हैं। किस में घूमते हैं, ये जनरल जो है गन मेटल के बुश के अंदर घूमते हैं। इसे इसे ब्लॉक में फिट किया जाता है। किस में फिट किया जाता है, इसको ब्लॉक में फिट किया जाता है। किसी किसी इंजन में, यानी किसी किसी इंजन में टी टाइप इंजन में दो केम शाफ्ट भी लगी होती हैं। बहुत सारे इंजन हैं जिनके अंदर दो केम शाफ्ट लगी हुई होती है। वी इंजन में केम शाफ्ट बीच में ऊपर की ओर फिट होती है। वी टाइप के इंजन में केम शाफ्ट है जो ऊपर की ओर फिट रहती है। दोस्तों केम शाफ्ट इंजन के इतने अधिक भागों को चलाती है इसलिए इसका पर्याप्त मजबूत होना आवश्यक है। इसे एक ही टुकड़े में स्टील फोर्ज करके बनाया जाता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। इसके अंदर लचक बनी रहे तथा भारी सतह कठोर रह सके इसके लिए केस हार्डिंग किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट उसके द्वारा आधी चाल, अब देखिए दोस्तों इसको ये याद रखना है कि जो क्रैंक शाफ्ट से ये आधी चाल में घूमती है। किस में घूमती है, क्रैंक शाफ्ट से आधी चाल में घूमती है दोस्तों। और क्रैंक शाफ्ट दो चक्कर घूमकर इंजन को एक साइकिलिंग पूर्ण करती है। तो यह शाफ्ट एक चक्कर घूम करके इंजन के सभी वाल्वों को एक एक बार केम लॉब द्वारा खोलकर इंजन के अंदर चलाती है। दोस्तों ये याद रखना है कि जब केम शाफ्ट है जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो क्रैंक शाफ्ट के दो चक्कर पूरा हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं क्रैंक शाफ्ट जब एक चक्कर पूरा करती है तो केम शाफ्ट आधा चक्कर पूरा करती है, साइकिल पूरा करने में सहायता करती है। केम शाफ्ट निरीक्षण, केम शाफ्ट इंस्पेक्शन, इंजन के काफी दिनों तक प्रयोग करने से केम शाफ्ट में कई प्रकार के दोष आना संभव होता है, इसलिए इंजन ओवरहॉलिंग के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिनके अंदर इनको ध्यान रखना अति आवश्यक है। केम शाफ्ट की घिसावट, वी ब्लॉक पर रखकर डायल गेज द्वारा चेक करें, यह घिसावट 13 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। केम शाफ्ट घिसावट है वो 13 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसको कहाँ पर रखते हैं, वी ब्लॉक पर रखते हैं दोस्तों 13 mm, और कहाँ पर रखते हैं इसको, यहाँ पे इंस्पेक्शन करते टाइम पे। इसके साथ केम शाफ्ट जनरल को भी चेक करें, केम शाफ्ट जनरल है उसको भी चेक करना चाहिए। और इसके अंदर कौन सी घिसावट नहीं होनी चाहिए, टेपर घिसावट, कौन सी घिसावट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, टेपर घिसावट नहीं होनी चाहिए। यदि टेपर घिसावट है तो उसको बदल देना चाहिए। केम शाफ्ट खोलते समय पूर्व टाइमिंग गियरों का चिन्ह लगा लें, यानी जब केम शाफ्ट को खोल रहे हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो उसको टाइमिंग जो गियर हैं उन पर क्या लगा लेना चाहिए, निशान, जिससे कि पता रहे कि निशान लगाने से कि दोबारा फिट करते समय प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो वो यदि हमने उसको गलत लगा दिया तो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से वो वाल्वों को नहीं खोलेगी। केम शाफ्ट बुश फिट करते समय तेल छिद्र को साफ करें, और उसको फिट करते समय क्या करना चाहिए, तेल छिद्रों को साफ करना चाहिए, नहीं तो लुब्रिकेशन नहीं होगा। केम शाफ्ट लुब्रिकेशन, केम शाफ्ट इंजन में काफ़ी तेज गति से घूमती है, काफ़ी तेज गति से घूमती है, इस कारण इसके लुब्रिकेशन की विशेष व्यवस्था की जाती है। इसके अंदर क्या की जाती है, इसकी विशेष व्यवस्था की जाती है। इंजन में मैन ऑयल
गैलरी के संबंध ब्लॉक में मार्ग बनाकर कैमशाफ्ट जनरलों को फाउंडेशन की जगह से किया जाता है। दोस्तों ये निर्माता कंपनी जो होती है, इंजन निर्माता कंपनी, वो अपने अपने इस सुविधा के अनुसार, इंजन की सुविधा के अनुसार से अलग अलग तरीके से कैसे लुब्रिकेशन करना है वो बनाया जाता है। और लगभग ये छोटे इंजन में सब सेम ही किया जाता है। इसके अंदर क्या है, गैलरी बनाई जाती है और गैलरी के माध्यम से केम जनरलों के फाउंडेशन की जगह से किया जाता है, जिससे इंजन इंजन चलने पर वह लुब्रिकेशन ऑयल पहुंचता रहता है। इंजन अधिक दिनों तक चलने पर बुश बेयरिंग घिस जाते हैं, और इंजन के अधिक दिनों तक चलने से उसका क्या होता है, बुश बेयरिंग है जो घिस जाते हैं, अतः इंजन और ऑयलिंग के समय इन्हें बदला जाता है। और ऑयलिंग के समय क्या बदला जाता है, बेयरिंग घिसने पर इसे बदल दिया जाता है, अन्यथा बेयरिंग लूज हो जाते हैं तथा तेल वहाँ से गिरने लगता है। जब ये बेयरिंग लूज हो जाएंगे तो तेल वहाँ से क्या करना हो जाएगा, गिरने लगेगा। इससे इनका दबाव, जो लुबाइल का दबाव है वो कम हो जाएगा और अन्य पार्ट्सों में वो पूर्ण मात्रा में नहीं पहुँच पाएगा, जिससे तेल का दबाव कम हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपने दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है, दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपको। थैंक यू दोस्तों।